लगाऊंगा, जवाब देना सबद रात ने बुलंद आवाज से। अशरफी रजवी इत्तेहाद, अशरफी रजवी इत्तेहाद, अशरफी रजवी इत्तेहाद, नारे तकबीर, फैजान मुहद्दस आजम हिंद, फैजान आला हजरत। एक बार और दुरूद शरीफ का नजराने अकीदत पेश फरमा दें। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه। नारा लगाने का इतना जोश व खरोश लोगों में है कि कभी कभी बेसमझे भी नारा लगा देते हैं। बेसमझे नबी जब मैं आ रहा था तो ये तो मैं नहीं कह सकता था किसने नारा लगाया, मगर एक नारा उसकी आवाज मेरे कानों तक पहुंची। वो ये कि अशरफी और रिजवी इत्तेहाद जिंदाबाद। मैं सोचने लगा कि इख्तलाफ कब था, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस इतने ही कहकर आगे बढ़ जाऊंगा। ना समझ गुलामों के बीच में ना फहमी की वजह से जो झगड़ा हो जाता है उसे आप आकाओं का इख्तलाफ ना समझें। इसी बात को समझाने के लिए इमाम अहमद रजा ने अपने पोते को भेजा। अब जो यही तय कर ले कि हमें समझना ही नहीं, वो आपने सुना होगा ना कि किसी ने चैलेंज कर दिया कि इस मसले को जो मुझे समझा देगा सारी जायदाद में उसके नाम लिख दूंगा। जब घर गया तो उसकी बीवी गले पड़ गई कि एक से एक अहले इल्म अहले फहम अहले फिरासत इस शहर में रहते हैं और तूने ऐसा चैलेंज कर दिया कि जो मुझे समझा दे उसे तुम पूरी जायदाद लिख दोगे। किसी ने समझा दिया तो क्या होगा? तो उसने कहा कोई कैसे समझाएगा, मैं समझूंगा ही नहीं। Thank you.